तो भाई साहब, आप देख सकते हो हिंडनबर्ग चिमनी आज इंस्टॉल होने वाला है मेरे घर पे। ये इसका बॉक्स है, ये पाइप है, ये सामान ये ऐसे पड़ा हुआ है घर पे, और ये इंस्टॉल वाले आ गए हैं, कंपनी ने भेजा है, देख सकते हो। इसको फिटिंग करने के लिए इसको नाप, इनका सामान पड़ा है और ये जाएगा सीधे किचन में। कितना इंच ऊपर? 30। इसको 30 इंच ऊपर टिक मार्क करना पड़ता है। ये देख सकते हो पूरा इंस्टॉल करने के लिए पूरा मेजरमेंट लेके रखा है इन्होंने, और ये अपने तरीके से इंस्टॉल करेंगे। भाई नाम क्या आपका? आशु गुप्ता। आशु गुप्ता नाम है इनका। ये इंस्टॉल के लिए आए, चिमनी इंस्टॉल के लिए, हिंडनबर्ग का चिमनी है जो ऑनलाइन मंगाया था मैंने और कंपनी ने उनको भेजा आज। अभी इन्होंने लेबल लगाने के लिए देखो पेपर लगाया, वो पेपर में उसके लेबल के हिसाब से होल करेंगे, उसमें पूरा टिक मार्क किया है, दिखाता हूँ आपको नज़दीक करके। तो इससे इजी हो जाता है इनको ड्रिल करने के लिए। जैसे पेपर हटा दिया अभी इन्होंने, ड्रिल के लिए इन्होंने मार्क बना दिया है, ये वाला मार्क आप देख सकते हो, ये उधर मार्क, ये होल के लिए जा रहा है, अभी ड्रिल होने के लिए जा रहा है, उसके मेजरमेंट के हिसाब से होल करेंगे, देख सकते हो इसको एग्जैक्ट लाइन पे ही होल करना पड़ता है, अगर अलग अलग जगह हुआ तो बराबर फिट नहीं हो पाएगा। अभी पेज लगने लग गए, देख सकते हो 3 पेज जा रहे हैं। फाइनली तीनों पेज कस दिए गए हैं अच्छी तरह। आज आपको दिखाता हूँ पूरा इंस्टॉलेशन इसका कैसे होता है हिंडनबर्ग चिमनी का। चिमनी इंस्टॉल के लिए देखो, मेरे को तो ऐसे चीज से डर लगता है कहीं इसका ग्लास व्लास ना टूट जाए। बहुत भारी होता है भाई, मैंने उठाने की कोशिश की थी, मुझे तो बहुत भारी लगा था। और ये इंस्टॉल के लिए जा रहा है अभी। ये वैसे आपको तो आदत है कैसे ही करते हैं क्या करते हैं, हमको तो थोड़ा डर लगता है, इनका तो डेली का आदत है, ये डेली एक एक दो दो करते रहते हैं। भाई कितना कर लेते हो एक दिन में? ऑलमोस्ट बैठा चुके हैं, और ये वैसे बोल रहे कि दिन भर में 4-5 इंस्टॉल कर लेते हैं। तो भाई कैसा कैसा है मोशन वाला? ये मोशन वाला, ये देखो फैन तेज कर दिया है, कम ज़्यादा ये मोशन से ही चल जाता है। ये स्क्रीन टच वाला भी है, दूसरा इसका स्क्रीन टच है, ये ऑलमोस्ट फिटिंग कर चुके हैं, ये वहाँ से पूरा धुआं बाहर निकल जाएगा, इसमें पाइप लगेगी ऊपर से भी जो विंडो से बाहर चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा है ये चिमनी हिंडनबर्ग का। निकल गया इसका पाइप, आप देख सकते हो ये पाइप, एटलीस्ट ये पाइप 10 फीट से ऊपर को है, लेकिन इसको खींचना पड़ता है ऐसे, बहुत मजबूत पाइप रहता है ये।
है, देखो कैसे खींच रहे हैं इसको। हमने अभी बना दिया 10 फीट का, खींच खींच के। पहले छोटा था ये, बॉक्स में आ गया था, अभी देखो इतना बड़ा बना दिया। देखो मैं बाल बाल बच गया हूँ गिरने से। अच्छा है ग्रिल था बाहर तो मैं खिड़की से बच चुका। प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इधर होल करना चाहिए था पहले, तो मैंने किया नहीं क्योंकि मैं अकेला हूँ आजकल, तो कोई होल करने वाला मिला नहीं। अभी हमको ये विंडो से बाहर निकालना पड़ेगा जिससे मेरा विंडो प्रॉपरली लग नहीं सकता है, तो बाद में मैं इसको उधर होल करके लगा लूँगा। इसका नॉब लग रहा है, देख सकते हो। इसमें चिमनी में दो टाइप के आते हैं, एक फिल्टर वाला आता है, अंदर ही फिल्टर होता है, लेकिन उससे क्या रहता है किचन की गर्मी बाहर नहीं जाती है, और ये पाइप लगा के पूरी जो किचन की गर्मी रहती है वो बाहर चले जाएगी। और मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मेरे को होल करना था ऊपर दीवार में, वो नहीं हो पाया, वो मैं बाद में करवा लूँगा। अभी इनसे फिटिंग करवा लिया मैंने, तब तक इन्होंने विंडो से बाहर डाल दिया, और इससे मेरा विंडो भी लग रहा है, ऐसा दिक्कत भी नहीं आ रहा है। लेकिन खाना बनाते समय मुझे विंडो खोलना पड़ेगा। विंडो और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा फिटिंग हो चुका है। सर फोन होल्डिंग कटाएंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काम हो चुका है, पाइप और पाइप लग चुका है, चिमनी लग चुका है। आज के बाद खाना आना बनाने में कोई गर्मी नहीं होगी, और अब इनको पेमेंट करना है फिर अपना अपना निकल जाएंगे। इसको हर 10 डेज में क्लीन करते रहना पड़ता है। इसमें ये दिखाते रहेगा, इधर ग्लास लगा है, देख सकते हो कितना ऑयल जमा हुआ। इसमें जो भी ऑयल जमा होगा हमको फेंक देना है, ना कि दोबारा खाना बनाना है।